हेलो गाइस। चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बिजनेस लॉस के लिए फर्स्ट लेक्चर है बेटा आप लोगों का। ठीक है ना, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कि बहुत ध्यान से सुनेंगे इस लेक्चर को। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। ठीक है, आई एम सी अजय अग्रवाल। ठीक है, और मैं आपका लॉ वाला सब्जेक्ट जो है और अकाउंट्स वाला जो सब्जेक्ट है वो लेने वाला हूँ। ठीक है ना, चलो। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है ये। जैसे आपने 11th में पहली बार अकाउंट्स पढ़ा होगा, समझ आ रहा है? ठीक है, तो जिस तरह की फीलिंग होगी ना, ये बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। क्लियर? ठीक है ना। देखो, मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट के बारे में पहले बता देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है ना, मैं ऐसा कर देता हूँ तो आप मुझे भी देख पाओगे। ठीक है ना। हेलो गाइस, चलो तो सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं हम। ठीक है ना, सी ए फाउंडेशन में जो चार सब्जेक्ट्स हैं उसमें से जो पेपर टू है वो आपका है बिजनेस लॉज एंड करस्पॉन्डेंस। उसमें जो मेन जो पार्ट है वो है बिजनेस लॉज। ठीक है, और उसमें कई सारे एक्ट्स हैं आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, और आपका LLP है, और थोड़ा सा कंपनीज एक्ट भी है ना। मुझे लगता है कुछ कुछ के तो शायद आपने नाम सुन रखे होंगे। मुझे लगता है पार्टनरशिप एक्ट आपने जो है अपने 12th में किया ही होगा, है ना। तो बस थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, बाकी चलो अपन स्टार्ट करते हैं ना। बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट है, बिल्कुल नया, मतलब आपने अभी तक इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा या किसी का फैमिली बैकग्राउंड होगा तो फिर उसको थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है ना, सबसे पहले गाइस देखो, चलो मैं बता देता हूँ, ये 100 मार्क्स का है बेटा, है ना, 100 मार्क्स का है ये। और बेटा ये सब्जेक्टिव पेपर है, याद रखना। ठीक है, मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा पूरे सीए फाउंडेशन के, कि किस तरीके का होता है, कैसे होता है ना, चारों सब्जेक्ट के बारे में जो जेनरिक डिटेल है। ठीक है ना, अभी मैं इस सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली जो है वो चालू कर रहा हूँ। क्लियर है? बाकी इसके जनरल नॉलेज के लिए मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है ना, जो आपके चार सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सीए फाउंडेशन में, उसमें दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो बेटा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है इसका मतलब 3 घंटे का पेपर आपको 100 मार्क्स का लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले बेटा अपन स्टार्ट करते हैं कि लॉज। लॉज मतलब, ठीक है ना, लॉज बेटा अगर अपन बोले ना तो लॉज होते हैं कानून। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? कानून। ठीक है ना, चलो देखते हैं अपन। तो कानून का मतलब क्या? अपन सुनते तो हैं, मूवीज में सुनते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आ रहा है समझ में? मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस ड्रॉ करे हैं। ठीक है ना, कि भाई बनाता कौन है, फॉलो किसको करना पड़ता है, फॉलो करना मतलब कि निभाना किसको पड़ता है। क्लियर है? ठीक है ना, मतलब क्या है लॉज का? क्लियर है? हम क्यों जाने लॉज के बारे में? आ रहा है समझ में? हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है ना, हम क्यों जाने मतलब कि नॉर्मल लोगों को क्यों पता होना चाहिए, और हम इसको कोर्स की तरह क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और नहीं नहीं करें फॉलो तो क्या होगा? चलो तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉज। क्लियर है? ठीक है ना, कानून तो लॉज का मतलब होता है बेटा रूल्स एंड एक्ट्स। अरे भाई ये क्या है? ठीक है ना, देखो जो एक्ट है, ठीक है ना, उसको भी अपन कानून बोलते हैं, लॉज जो है उसको भी अपन कानून बोलते हैं, है ना। लॉज थोड़ा सा बिगर टर्म है। ठीक है ना, आप ऐसा समझ लो कि जैसे कोई एक्ट है तो उसमें बहुत सारे क्या दिए होंगे,
रूल्स वगैरह दिए होंगे, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। और जो लॉज हैं, ठीक है ना, लॉज के अंदर बहुत सारे एक्ट्स हो सकते हैं, आ रहा है समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। तो एक्ट जो है वो है सेट ऑफ रूल्स, और लॉज जो है वो है सेट ऑफ एक्ट्स। देखो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, अभी एक्ट और लॉज को अभी हम एक ही मान करके चलेंगे कि भाई रूल्स होते हैं। अच्छा, रूल्स, रूल्स जो बचपन से हम निभाते हैं कि भाई टाइम पे कहीं पर पहुंचना है 7 बजे, है ना, स्कूल में शूज पॉलिश करके जाना है, क्लियर है, ठीक है ना, टिकट लेके मूवी में जाना है, क्लियर है, ठीक है ना। तो ऐसे बड़े सारे रूल्स होते हैं, समझा रहे, जो हमको हर जगह निभाने पड़ते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। तो लॉज का मतलब बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं, रूल्स, ठीक है ना। अब रूल्स मतलब क्या, कितने होते हैं ये रूल्स, समझा रहे, तुम समझो कि इंसान ना, अगर तुम पास्ट में देखोगे, ठीक है, तो जो थोड़ा सा ह्यूमन हिस्ट्री में अगर तुम जा करके देखोगे, तो पहले इंसान पहले क्या था, आदि मानव था, समझना रहे, सोच के देखो, ठीक है ना। तो हम आज की डेट में मतलब सारे लोग रह रहे हैं, अलग अलग देश हैं, सब लोग प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, है ना। कोई बेबी होता है, पहले वो 3 साल का होता है तो वो स्कूल जाता है, प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन लेता है, फिर वो जॉब करता है या वो अपना बिजनेस करता है। ये सब क्या है, आ रहा है समझ में, क्योंकि इंसान के पास दिमाग है, तो उसने क्या किया, पैटर्न बना लिया। उसने कहा कि यार सब लोग अगर एक तरीके से बिहेव करेंगे, कुछ पर्टिकुलर रूल्स को अगर फॉलो करेंगे, तो सारे लोग सुख शांति से रह पाएंगे, अदरवाइज फिर जंगल हो जाएगा। मतलब अगर आपको रूल्स को समझना है, तो आप थिंक अबाउट विदाउट रूल्स क्या होगा, विदाउट रूल्स बेटा कोई जी नहीं पाएगा, समझ आ रहा है। देखो लिखा भी है, सोसाइटी में पीस के लिए, सोसाइटी में पीस के लिए लॉज जो है वो बहुत ज़रूरी है। होते क्या हैं, लॉज है रूल्स, हर चीज़ के लिए रूल्स होते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। हम जो पहला एक्ट चालू करेंगे ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका एक बेसिक रूल, मतलब बहुत सारे रूल्स होते हैं, समझ में आ रहा, एक पर्टिकुलर एक्ट में बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बेसिक रूल क्या है कि अगर आपने किसी से कोई बातचीत तय कर ली, अगर आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, समझ में आ रहा, कुछ तय किया, तो फिर आप उसको तोड़ोगे नहीं, समझ में आ रहा, फिर आपको वो क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। सोचो ना, आपने दुकान वाले से कोई मोबाइल खरीदा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, आपने उसको पैसे दे दिए। अब मान लो कि 5 दिन बाद वो आकर के बोले कि नहीं नहीं लाओ मेरा मोबाइल वापस करो, ये लो अपने पैसे, तो तुम वापस कर दोगे, ठीक है, कि नहीं करोगे? बहुत ऑब्वियस है ना, नहीं करोगे, क्योंकि भैया मैंने आपसे खरीद लिया है। तो आपको, उसको कौन रोक रहा है कि वो आपसे मोबाइल ना ले पाए, आ रहा है समझ में, ठीक है। ये लॉज ही है, ये एक्ट है जो उसको रोक रहा है, किस बात से रोक रहा है कि भैया वो आपसे मोबाइल वापस ना ले पाए, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो मीनिंग ऑफ लॉज में क्या है, लॉज का मतलब क्या है, रूल्स एंड एक्ट्स, क्लियर है, ठीक है। अब हु क्रिएट्स, कौन बनाता है, तो पार्लियामेंट बनाता है। अपन उस पर फिर से आते हैं, समझना रहे, सबसे पहले अपन ये देखते हैं, ठीक है, कि क्यों हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, वी मतलब हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, हमको क्यों पता होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कानून क्यों पता होना चाहिए। देखो, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, बेटा इस लाइन का बहुत गहरा मीनिंग है, ठीक है। अगर आपको कानून नहीं पता है, तो भी उस कानून को तोड़ने की सजा आपको मिलेगी। अरे अरे अरे, ऐसा क्यों भाई, मुझे कानून नहीं पता, समझना रहे, तो भी मुझे उसकी सजा मिलेगी, समझना रहे। अगर मेरे हाथ से कानून, अगर मान लो कि टूट गया, तो सोच के देखो, अगर मान लो कि तुम गाड़ी चला रहे हो, आ रहा है समझ में, और सिग्नल जो है, ठीक है ना, सिग्नल पर रेड लाइट है और तुम रुके नहीं, क्लियर है, ये एक रूल है कि रेड लाइट पर रुकना है सबको, जब ग्रीन होगी तो चलना है, समझना रहे। अगर तुमने इस चीज़ को नहीं माना, क्लियर है, तुम रेड लाइट के सिग्नल पर नहीं रुके, ठीक है, और अगर तुम चले गए, क्लियर है, ठीक है ना, तो अगर मान लो तुमको हवलदार ने पकड़ लिया, तुमको बोला कि भैया क्या करो, फाइन भरो, तो तुम कह रहे हो कि अरे भैया मुझे पता ही नहीं था, मैं तो पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट पर रुकना पड़ता है, आ रहा है समझ में। क्या आपकी ये दलील मानी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, आपकी ये दलील बिल्कुल भी मानी नहीं जाएगी, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज,
हम इसको एक्सक्यूज क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो हम इसको एक्सक्यूज मानेंगे तो हर व्यक्ति कल को यही एक्सक्यूज देगा कि हमको रूल्स नहीं पता है, समझ आ रहे, ठीक है ना? लॉज, चलो तो हम समझ गए कि भैया रूल्स होते हैं। अच्छा, लॉज मतलब रूल्स, बहुत सारे रूल्स। अरे ऐसा हमको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हम पे तो लगता ही है। अरे ऐसा हमको नहीं भी पता होगा तो भी हमको निभाना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है ना? तो व्हाट इफ नॉट फॉलो, नहीं फॉलो किया तो? नहीं फॉलो किया तो क्या? ठीक है, नहीं फॉलो किया तो बेटा आपको पेनल्टीज, फाइन या जेल जाना भी पड़ सकता है। अरे ऐसा, ठीक है, व्हाट इफ नॉट फॉलो, तो अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आपको पेनल्टीज, फाइंस, इम्प्रिजनमेंट, मतलब आपको मॉनिटरी, आपको हो सकता है कि पेनल्टी देनी पड़ जाए, हो सकता है फाइन देना पड़ जाए, हो सकता है आपको जेल जाना पड़ जाए। क्लियर है गाइस? ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, ठीक है, लॉज का पर्पस क्या है, क्यों है, मतलब दिस इज द आंसर टू व्हाई, क्यों है लॉज, ठीक है ना? लॉज का एग्जिस्टेंस क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही, तो ये सबसे मेन बात है बेटा कि सोसाइटी में पीस बनाना है, समझ आ रहा है? हर व्यक्ति रूल फॉलो करता है ना, हर व्यक्ति अगर रूल फॉलो करता है तो ही जाकर के सारे लोग सुख शांति से रह पाएंगे। सबसे मेन वर्ड है बेटा पीस, ठीक है ना? अगर मान लो कि हम लोग किसी रूल को फॉलो ना करें, सोच करके देखो, अगर मान लो ट्रैफिक सिग्नल है, समझ आ रहा है, उसमें सारे लोग राइट रेड सिग्नल पे रुक रहे हैं, समझ आ रहा है, और सब लोग ग्रीन पे जा रहे हैं, तो एक पैटर्न है, एक सेट ऑफ रूल है जो लोग फॉलो कर रहे हैं। इमेजिन करो कि अगर मान लो रेड लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट जल रही है, और किसी को इस रूल से कोई मतलब नहीं, कोई निभाने वाला ही नहीं, तो सारे लोग चलेंगे तो होगा क्या बेटा? अल्टीमेटली वहां पर हो जाएगा ट्रैफिक जाम, आ रहा है समझ, और कोई भी मूव नहीं कर पा, आ रहा है समझ, क्लियर है? तो रूल्स फॉलो करना इज वेरी नेसेसरी, क्लियर है? सोसाइटी के रन के लिए, सोसाइटी के चलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर है गाइस? ठीक है ना? चल उसके बाद देखो जस्टिस, क्यों है लॉज, ताकि हर व्यक्ति को क्या प्रोवाइड किया जा सके, जस्टिस, जस्टिस यानी कि न्याय, ठीक है ना? कोई भेदभाव ना हो, बहुत ध्यान से समझ आ रहा है, भेदभाव ना हो, क्योंकि बेटा सोच करके देखो, हम जब क्रिकेट खेलते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है ना? तो हार जाना मंजूर है लेकिन रोंठाई मंजूर नहीं है, आ रहा है समझ में, क्लियर है? तो जस्टिस जो है वो सबके लिए इक्वल हो, समझ रहा है, इक्वालिटी बोल सकते हो, इक्वालिटी एक रीजन है, आ रहा है समझ, और है सोशल सिक्योरिटी, समझ रहा है, ठीक है ना? सोशल सिक्योरिटी मतलब जस्टिस और पीसफुल लिविंग, समझ रहा है, डिग्निटी, क्लियर है? हर इंसान की बेसिक कुछ नीड्स होती हैं, समझ रहा है, उनकी उनको फुलफिल करने के लिए सबको एक दूसरे के हिसाब से चलना पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं ना एडजस्ट करना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है ना? अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी मर्जी करे, समझ रहा है, कोई रूल फॉलो ना करे, ठीक है ना, तो सब लोग अपना अपना मर्जी का करने लग जाएंगे, सब अगर अपनी मर्जी का करने लग जाएंगे तो बेटा बहुत केओस हो जाएगा सोसाइटी में, क्लियर है, ठीक है ना? तो ये है बेटा आपका पर्पस, ठीक है ना? नहीं आपने फॉलो किया तो पेनल्टीज, फाइन, इम्प्रिजनमेंट लगेगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब सी ए कोर्स में क्यों है, समझ आ रहा है, ठीक है ना? सी ए कोर्स में बेटा ये इसलिए है क्योंकि जितने भी बिजनेसेस हैं उनको लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से समझना, देखो बिजनेस ओपन करने की ना कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है, समझ आ रहा है, बिजनेस ओपन करने की कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है कि मतलब आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए तब जाकर के आप ये बिजनेस कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना? बिजनेसेस को फॉलो करना ही पड़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनो बेटा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो अगर किसी ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, आ रहा है समझ में, और अगर मान लो कि उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसको लॉज का नहीं पता है, तो भी उसको लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, समझो। अगर आप कोई शॉप खोलते हो तो आपको नगर निगम का लाइसेंस लेना पड़ता है, आ रहा है समझ में। अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर बढ़ता है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना? आपको मतलब बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। भैया मुझे तो नहीं पता, इसीलिए तो नीड है कि ऐसे लोग आपको मिल जाएं जिनको ये लॉज पता हो। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको उन बिजनेसेस को क्या करना है, एडवाइस करना है। हम उन बिजनेसेस को क्या करने वाले हैं बेटा, एडवाइस करने वाले हैं। हम उन बिजनेसेस को एडवाइस करेंगे कि भैया कौन सा लॉ कैसे फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति अगर अपना बिजनेस कर रहा है तो वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन सोसाइटी में कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, आ रहा है समझ। उन रूल्स को फॉलो अगर आपने नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब उसको तो पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर किसकी नीड है बेटा, इसलिए यहाँ पर किसकी नीड है,
इसलिए यहाँ पर नीड है बेटा, ठीक है, एक ऐसे प्रोफेशनल की जिसको कि सारे लॉज का पता आ रहा है समझ में। तो हम वो लोग बनेंगे, समझ में, जिनको वो सारे लॉज का पता हो, हम वो लोग हैं जिनको उन सारे लॉज का पता है। क्लियर है गाइस, ठीक है ना। तो बनाता कौन है, ठीक है ना, पार्लियामेंट। अब समझो ये वैसे सिंगल वर्ड है, ठीक है ना, लेकिन हमारे देश का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको समझो, हमारा जो पूरा देश का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, पूरे देश के लिए कानून बनाता है पार्लियामेंट। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो लॉज है, समझ आ रहा है, ठीक है ना, उसके लिए विधानसभा, और इस तरीके से स्टेट लेवल पर भी लॉ मेकिंग जिसको बोलते हैं अथॉरिटी, समझ आ रहा है, वो भी बनाई गई, ठीक है ना। तो आप ऐसा समझ लो कि हर स्टेट के लिए भी अलग अलग रूल्स हैं और पूरे नेशन के लिए भी एक से रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते। क्लियर है, ठीक है ना। ये किस चीज़ के लिए, सारे लोगों के भले के लिए बेटा। लॉज का जो एग्जिस्टेंस का मेन पर्पस यही है कि सबका भला हो, ठीक है। किसको फॉलो करना पड़ता है बेटा, हर किसी को, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आ रहा है समझने, कि कोई फिल्म स्टार हो तो उसको एक्सेप्शन मिल जाए, आ रहा है समझने। हर व्यक्ति इक्वल है, ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो बेटा एक बार देख लो इसको, ठीक है, कि वो क्या बोल रहा है। सबसे पहले लॉज जो है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, लॉज का मीनिंग क्या है, एक्ट और रूल्स जो है, बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, रूल्स, समझना रहे, ऐसे फॉर्मल प्रोटोकॉल, ऐसे रूल्स जो कि हमको फॉलो करने पड़ते हैं सोसाइटी के भले के लिए। आ रहा है समझ में। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं कि भाई किसी के घर में किसी ने चोरी की, ठीक है ना, तो उसको जेल जाना पड़ेगा, मर्डर नहीं कर सकते आप। आ रहा है समझ में, सोचो कितनी प्रॉब्लम है। क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हमको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब अगर आपको कानून का पता नहीं है तो भी आपको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। तो भी कानून तोड़ने की सजा आपको मिलेगी। क्लियर है, ठीक है ना। पर्पस क्या है लॉज का, ठीक है, टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी, टू प्रोवाइड जस्टिस टू एवरीबॉडी, कोई भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी, इक्वालिटी। आ रहा है समझ में। ये सब पर्पस हैं, किसके पर्पस हैं, लॉज के, ठीक है ना। बेटा आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हो, क्लियर है। तो कोई चीज़ अगर फास्ट होगी तो आप बीच में पॉज करके और उसको देख लेना, क्लियर है, ठीक है ना। हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे बिजनेसेस को फॉलो करने पड़ते हैं लॉज, और हमको बिजनेसेस को क्या करना है बेटा, एडवाइस करना है, समझ ना। कौन बनाता है, पार्लियामेंट, समझ ना। किसको फॉलो करना है, हर पर्सन, क्लियर है, ठीक है ना। ये बहुत जेनेरिक सा इंट्रोडक्शन है लॉज का, ये बहुत जेनेरिक सा इंट्रोडक्शन है लॉज का, कानून का। तो आप समझो, ठीक है ना, कि हम जब जी रहे हैं, ठीक है ना, हम न्यूज़ चैनल, हम जैसे जैसे बड़े हुए, तो बचपन से बड़े होने तक जो हमारे माँ बाप हैं, आ रहा है समझ में, या हमने जो टीवी न्यूज़ चैनल हैं या न्यूज़पेपर है, समझ आ रहा है, सब में हम पढ़ते हैं ना जब चीज़ें, तो हमको धीरे धीरे सेंस होता है, ठीक है ना, कि यार ये पैटर्न दुनिया में फॉलो हो रहा है। मेहमान आएंगे तो उनके सामने मुस्कुराना है, उनको पानी देना है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। सबसे पहले सोच करके देखो, जब तुम छोटे बच्चे होगे, समझ आ रहा, तो हो सकता है कि कोई मेहमान आया होगा, तुमने एम्बैरेस किया होगा। आ रहा है समझ में, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें वो रूल नहीं पता था। सोच करके देखो, ठीक है ना, हो सकता है कि क्या हो, कोई मेहमान आया, समझ आ रहा है, ठीक है, और तुम छोटे हो, जैसे मेरा बच्चा है, समझ आ रहा है, एक साल का मेरा बच्चा है, ठीक है ना, उसको वो वॉकर में रहता है, और एक चार साल का है, क्लियर है, तो वो दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं, समझ आ रहा है, कोई भी ऐसी बात बोल देंगे, ठीक है ना, कि मतलब अगर मान लो कोई मेहमान आए हुए उनके सामने, वो बोले कि पापा आप उस दिन लड़ रहे थे, समझ आ रहा है, तो हमको समझ में, तो हमने उस समय तो हैं करके हमने उसको सेटल कर दिया, समझ आ रहा है। उसके बाद जैसे ही मेहमान गए, समझ आ रहा है, तो हमने कहा आ बेटा, समझ आ रहा है, हमने उसको ऐसे किया और दे धमाक, दे धमाक, क्यों, समझ में आ रहा है, क्यों ये किया हमने। हमने कहा बेटा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। अब तुमको ये पिटाई याद रहेगी, जिससे तुमको ये रूल जो है ये याद रहेगा कि अगली बार से अगर मेहमान आएंगे तो तुमको क्या ध्यान रखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो अगली बार से बिहेव प्रॉपरली। आ रहा है समझ में। तो हम रूल्स जो है वो बचपन में इस तरीके से सीखते हैं, हमने पेनल्टीज भी सही हुई हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो इससे हमको रूल्स का अंदाजा लगता है, क्लियर है, कि सोसाइटी में रूल्स वगैरह, तो लॉज इसी तरीके का, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो लॉज ऐसे हैं कि बेटा इंडिया में ना 1000 से ज्यादा एक्ट्स हैं, इंडिया में 1000 से ज्यादा कानून है, ठीक है ना, जो सिविल और क्रिमिनल ऐसे अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स में बटे हुए हैं, ठीक है ना। सिंस हम एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है, क्रिमिनल लॉज से हमको अभी सरोकार नहीं,
अभी हमको क्रिमिनल लॉज जो है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमको कौन से लॉज पढ़ने, सिविल, सिविल लॉज जो है। सिविल लॉज की समझ लो कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है, सिविल लॉज का एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोलते हैं मर्केंटाइल लॉ और कमर्शियल लॉज, ठीक है ना। तो कमर्शियल लॉज में कुछ एक्ट जो है वो इस बार हमको पढ़ने हैं। देखो ये सारे नाम लिखे हुए, ठीक है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, तो हम बहुत सारे रूल्स के बारे में जानने वाले हैं। आ रहा है समझ में? क्यों ऐसा होता है कि हमने किसी दुकानदार से कुछ गुड्स खरीद लिए तो वो वापस नहीं ले सकता? आ रहा है समझ में? ठीक है ना, कौन सी वो चीज़ है जिसके कारण कि ये रुक रहा है? जैसे आपने पार्टनरशिप पढ़ा, तो क्यों अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो 6% लोन का देना पड़ता है? क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं अलाउ होता? क्यों सैलरी नहीं दे सकते अगर डीड में नहीं लिखा है? तो ये सारी बातें आपको बेटा पता चलेंगी, क्योंकि कानून है ये ऐसा। आ रहा है समझ में? क्लियर है, ठीक है ना। तो कमर्शियल लॉज का जो मीनिंग है वो क्या है, देखो जरा। कमर्शियल लॉज या बिजनेस, कमर्शियल लॉज का मर्केंटाइल वर्ड का क्या मतलब होता है, है ना। तो आप समझो कि बिजनेस रिलेटेड, क्या होता है ये, बिजनेस रिलेटेड, ठीक है ना। ध्यान से देखो, आप गुड्स, चीज़ें खरीदते हो, आप सर्विसेज परचेस करते हो, आ रहा है समझ में। आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, आपका मोबाइल का अगर बिल आता होगा, प्रीपेड कनेक्शन लिया, वो सर्विस है। आपने जो मोबाइल खरीदा हुआ है, समझ आ रहा है, सोच करके देखो, आप अभी ये वीडियो अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो वो कंप्यूटर परचेज किया हो गया होगा। आ रहा है समझ में? तो ये जो परचेज हुई है, ये जो मोबाइल खरीदा गया है, समझ आ रहा है, ये जो कंप्यूटर खरीदा गया है, ये एक पर्टिकुलर कानून के तहत खरीदा बेचा गया है। भले ही आपको भी नहीं पता है वो कानून, और भले ही जो बेच रहा था उसको भी नहीं पता है, आ रहा है समझ में। लेकिन अगर कोई लड़ाई होती है तो कानून के हिसाब से ही उसका सेटलमेंट जो है वो होगा। क्लियर है, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज रेंट पे ले लेते हो, क्लियर है, ठीक है ना। कुछ लोगों ने सोचा कि चलो साथ में बिजनेस करते हैं, तो उनके बीच में लड़ाई ना हो, उसके लिए कानून बनाया गया, पार्टनरशिप एक्ट। तो ये एक्ट के साथ कनेक्टेड है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कि गुड्स परचेज, सेल ऑफ गुड्स। अब वो इसमें भी कवर हो रहा है भैया? हाँ बेटा, इसमें भी कवर हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है, ठीक है ना। फिर मेनी पीपल डिसाइड टू डू बिजनेस टुगेदर, जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो कंपनीज एक्ट है, समझ में। और कुछ प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, ये भी मैनी, बहुत ज्यादा लोग जब साथ में आ जाएंगे तो एलएलपी है। तो ये सारा सबका रेलिवेंस जो है वो हम पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। और सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये देखो, वी आर स्टार्टिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर है, ठीक है, देखो ध्यान से। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हमारा जो पहला कानून है जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो बेटा कब बना था, अंग्रेजों के टाइम पे बना था, समझ आ रहा है, क्योंकि अंग्रेज छोड़ करके गए कब, 1950। तो अपन बहुत सारा लीगल स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ेंगे, समझ आ रहा है। अपन ये भी पढ़ेंगे कि कानून की भाषा का क्या रोल रहता है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। ये सारा कुछ पढ़ेंगे कि भाई कैसे ये लॉज अभी तक चल रहे हैं, इतने पुराने, मतलब कुछ नया अमेंडमेंट होगा तो वो अमेंड होता जाता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। आ रहा है, 1872 में कंप्यूटर्स भी नहीं थे, लेकिन आज के डेट में कंप्यूटर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर कंप्यूटर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। अगर आपने कोई भी चीज़ ऑनलाइन खरीदी या बेची, अरे समझ में, आपने मार्केट से कोई चीज़ खरीदी है या बेची है, क्लियर है, आप कोई भी सर्विस, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो, समझ में आ रहा है, जहाँ पर भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहे हैं, उन सारी जगहों पर आप मान करके चल लो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग रहा है। क्लियर है क्या? इंडियन मतलब ऑब्वियस बात है, एप्लीकेबल टू इंडिया, ठीक है ना, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बेटा ध्यान से समझना, पहले ये कानून जो था जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं लगता था, अब जो है आर्टिकल 370 अलग हो जाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर पर भी क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग हो गया, आपको पता होगा कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी वगैरह बन गई, तो अब जो है एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया है। आप लोग गूगल वगैरह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू नहीं था, उसका डिस्कशन सेपरेट कर लेंगे अपन कि क्यों लागू नहीं था, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो अभी अपन बढ़ते हैं आगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो इंडियन क्यों लगा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। देखो जैसे ये हमारा भारत है ना, डिजिटल इंडिया, ये क्लियर, ठीक है ना। तो कोई भी जो कानून है, जैसे ये जो एक्ट है, ये इसकी बाउंड्रीज है। हमारे यहाँ का कानून हमारे यहाँ के लोगों को मानना पड़ेगा, हमारे यहाँ का कानून किसको मानना पड़ेगा, हमारे यहाँ के लोगों को। अगर बाहर से कोई व्यक्ति
अगर मान लो कि यहाँ आता है तो उसको भी मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो ट्रांजेक्शन होंगे ना उसमें जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, क्लियर है। हमने जो रूल्स बना रखे हैं ना, हमने जो रूल्स बना रखे हैं वो अपने लोगों के लिए, हम लोगों के लिए है, आ रहा है समझ में। हमारे रूल्स इंग्लैंड में किसी बंदे को मानने की ज़रूरत नहीं, आ रहा है समझ में। और हमने जो अपने बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स एक्चुअली हम लोगों को अंग्रेजों ने दिए, समझ आ रहा है। उन लोगों ने अच्छे रूल्स बनाए थे कुछ कुछ, क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो वो एज इट इज अडॉप्ट कर लिए, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बनने के बाद भी हमने उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, क्लियर है। अब आते हैं अपन किस पर। अच्छा, तो इंडियन समझ गए, एक्ट समझ लो, सेट ऑफ रूल्स विच आर कंपल्सरी टू फॉलो, विच आर कंपल्सरी टू फॉलो, सेट ऑफ रूल्स विच आर कंपल्सरी टू फॉलो। कंपल्सरी इज द वर्ड, याद रखना बेटा, आ रहा है समझ में। कोई ऑप्शन नहीं आपके पास कि आप ना निभाएं इसको, ठीक है। चलो अब देखो कॉन्ट्रैक्ट, द होल एक्ट इज अबाउट, ये जो एक्ट है जो इंडियन है, समझना रही, पूरा एक्ट मेनली किस चीज के बारे में बताने वाला है आपको बेटा, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इसके बारे में बताने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। द होल एक्ट इज अबाउट दिस, दिस मतलब कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। बट द थीम इज, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, मतलब इस एक्ट की, पूरे एक्ट की थीम की, पूरे एक्ट में क्या दिया है अगर अपन इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो इसकी थीम है बेटा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, समझ गए। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अपन बात करते हैं किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की, क्लियर है कि बेटा आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता क्या है, आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता क्या है, ठीक है ना बेटा। कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज है, एक अग्रीमेंट है ना, ये लिखा हुआ है, और एक है इसमें बेटा एनफोर्सिबिलिटी। एक है अग्रीमेंट और एक है एनफोर्सिबिलिटी। चलो देखते हैं व्हाट इज एन अग्रीमेंट। बेटा अग्रीमेंट देखो, अग्रीमेंट क्या है, एक अग्रीमेंट बनता कैसे है समझना, ये तीन लेवल्स है, समझना है। हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहा है, ठीक है ना। एक बार आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपको निभाना पड़ेगा, एक बार आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपको निभाना पड़ेगा बेटा, समझ में आ रहा है, इट्स अ कंपल्शन, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये जो अग्रीमेंट है, ठीक है ना, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलग अलग क्यों है। अग्रीमेंट का मतलब भी तो वही है कि भाई मैंने किसी के साथ कोई बात अग्री कर ली। अब बहुत ध्यान से समझना, क्लियर है, ठीक है। हो सकता है कि मैंने अपने भाई के साथ कोई बात अग्री कर ली कि यार तू मेरे लिए खाना बना दे और मैं तेरा होमवर्क कर दूंगा, पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मैंने अपने भाई के साथ अग्री कर लिया, उसने खाना बनाया, मैंने बोला जा मैं तेरा होमवर्क नहीं करता, समझ में आ रहा है, मैंने अग्रीमेंट करके तोड़ दिया, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अग्रीमेंट तो सारे होते हैं, मैंने अगर मान लो न्यूज़पेपर खरीदने का अग्रीमेंट किया, मैंने अगर मान लो कि बस मैंने किसी कोई गाड़ी किराए से ली, या बस में मैंने किसी एक जगह से दूसरी जगह पे गया, आ रहा है समझ में। तो हर व्यक्ति किसी भी के साथ जो कुछ तय कर रहा है वो क्या होता है, अग्रीमेंट। लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बहुत ध्यान से समझना रहे। कॉन्ट्रैक्ट वो तब बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट वो तब बनेगा जब उसमें क्या आएगी बेटा, एनफोर्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट वो कब बनेगा जब उसमें क्या आएगी, एनफोर्सिबिलिटी। तो पहले हम अग्रीमेंट के बारे में जानेंगे, पहले हम किसके बारे में जानेंगे, अग्रीमेंट, समझना रहे। जब अग्रीमेंट हम समझ जाएंगे कि कैसे कैसे बनता है, फिर हम एनफोर्सिबिलिटी समझेंगे, और फिर अग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी को बना करके, मिला करके क्या बनता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट, आ रहा है समझ में। तो अग्रीमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको किसको समझना पड़ेगा बेटा, ऑफर को। अग्रीमेंट को समझने के लिए सबसे पहले बेटा किसको समझना पड़ेगा आपको, ऑफर को समझना। हम किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बात कैसे तय करते हैं, इसका मतलब हम कभी भी अग्रीमेंट में कैसे एंटर होते हैं, सोच के देखो, हम कभी भी किसी अग्रीमेंट में कैसे एंटर होते हैं, क्लियर है। हम किसी व्यक्ति को कुछ ऑफर करते हैं कि भाई तू मेरे लिए ऐसा करेगा, मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, आ रहा है समझ में। जब मान लो कि तुम किसी व्यक्ति को ये ऑफर कर रहे हो कि भाई तू मेरे साथ अग्री करना चाहेगा क्या, इस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करना चाहेगा क्या, ठीक है ना, कि मैं तेरे लिए तेरा होमवर्क कर दूंगा, तू मेरे लिए खाना बनाएगा, तो ये मेरा ऑफर है। सीधे सीधे मैं थोप नहीं सकता किसी के ऊपर कि चल तू मेरे लिए खाना बना और मैं तेरा होमवर्क करूंगा, आ रहा है समझ। दिस इज नॉट एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब कि दोनों लोग अग्री कर रहे हैं किसी चीज को, आ रहा है समझ में। इफ आई एम ऑल्सो अग्रीइंग टू समथिंग एंड समवन एल्स इज ऑल्सो अग्रीइंग टू समथिंग, आ रहा है समझ में।
तो जब मैं अपनी बात शुरू करता हूं, समझ में आ रहा है, मैं इनिशिएट कर रहा हूं कि भाई ऐसा ऐसा कर लें क्या अपन, आ रहा है समझ में, इट्स अ क्वेश्चन, क्लियर है, देन इट इज नोन एज ऑफर। जब मैं किसी को बोल रहा हूं कि यार ऐसा करें क्या, यार ऐसा करें क्या, तो दैट इज एन ऑफर। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, अगर सामने वाला पर्सन क्या कर लेता है बेटा, एक्सेप्ट कर लेगा तो हाँ चलो करते हैं अपन, आ रहा है समझ में, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला करके बेटा क्या बन जाता है, अग्रीमेंट। चलो अपन ऑफर को डिटेल में देखते हैं कि मान लो ये जो एक्स है, समझ रहे, ये वाई से क्या बोलता है कि भाई क्या तू मेरी कार 1 लाख रुपए में खरीदना चाहता है, क्या तू मेरी कार 1 लाख रुपए में खरीदना चाहता है, ये क्या है बेटा, ये है ऑफर, आ रहा है समझ, ठीक है ना। और अपन देखते हैं एक्सेप्टेंस कि भाई मुझे तेरी कार अच्छी लगी, मैं इस कार को खरीद रहा हूं, मैं इस कार को क्या कर रहा हूं बेटा, खरीद रहा हूं, क्लियर है। अगर मान लो कि मैंने क्या बोल दिया कि हाँ मैं कार को खरीद रहा हूं, तो यह बन गया एक्सेप्टेंस, ये हो गया अग्रीमेंट। ध्यान से देखो बेटा, समझ रहे, अब आप कार खरीद लो, बस राइड कर लो, देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स। आप डेली बेसिस में सुबह से शाम तक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटर करते हैं, आपका मोबाइल रिचार्ज कराना, आपका मोबाइल को खरीदना, समझ रहे, ठीक है, आपका इस क्लास को अटेंड करना, मतलब अगर आप मान लो कि ज्वाइन कर जाते हो क्लास को, क्लियर है, तो दैट विल ऑल्सो बी एन अग्रीमेंट, दैट विल ऑल्सो बिकम अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। न्यूज़पेपर खरीदना, आप फल खरीद रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, क्लियर है, ठीक है ना। किसी के साथ कोई भी बातचीत अगर आप तय कर रहे हो, तो आप डेली बेसिस में बहुत सारे अग्रीमेंट्स जो हैं वो एंटर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अग्रीमेंट अभी बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी मैं बिल्कुल ओवरव्यू बता रहा हूं मैं। इन्फोर्सिबिलिटी क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी की, अब अगर एक्स या वाई में से कोई भी किसी ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने से मना किया, तो दूसरा पर्सन उस पर केस कर सकता है, ये क्या है बेटा, एनफोर्सेबिलिटी। तो अगर किसी, देखो समझो, एक्स ने बोला कि तू मेरी कार खरीदेगा, ये ऑफर हो गया, समझना, उसने बोला मेरे को तेरी कार अच्छी लगी, मैं इस कार को खरीद रहा हूं, ये हो गया एक्सेप्टेंस, आ रहा है समझना। तो एक बार अगर ये दोनों बातें तय हो गई, तो ये क्या हो गया बेटा, अग्रीमेंट, आ रहा है समझना, ठीक है ना। सिंस ये एक फॉर्मल अग्रीमेंट है, तो इसमें क्या है, एनफोर्सेबिलिटी। मतलब अगर अब जो है एक्स बैकआउट नहीं कर सकता, और ना ही कौन बैकआउट कर सकता है बेटा, वाई, आ रहा है समझ में। अगर एक्स ने बैकआउट किया तो वाई जो है उस पर केस कर देगा, और अगर वाई ने बैकआउट किया तो बेटा फिर एक्स उस पर केस कर देगा, आ रहा है समझ में। क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एनफोर्सेबिलिटी है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एनफोर्सेबिलिटी है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो मतलब क्या, तो मतलब सब में एनफोर्सेबिलिटी तो होती कहलाई ना, नहीं बेटा, सब में एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती, इस कॉन्ट्रैक्ट में है, क्योंकि ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मान लो कि तुम अपनी मम्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि मम्मी आप खाना बना दो, समझा रहे, ठीक है ना, और मार्केट के दो चार काम जो है वो मैं कर दूंगा, आ रहा है समझना, आपने अग्री कर लिया, समझ रहे, आपने ये ऑफर रखा मम्मी के सामने कि मम्मी देखो मैं ऐसा कर लेता हूँ, आप ऐसा कर दोगे, मम्मी ने बोल दिया हाँ, क्लियर है, आ रहा है समझ। अब मान लो कि आपने अग्री कर लिया, तो अग्रीमेंट तो बन गया है, क्लियर है। लेकिन अब अगर मान लो मम्मी ने मना कर दिया अपना काम करने से, या अगर मान लो कि आपने मना कर दिया अपना काम करने से, तो क्या एनफोर्स कर सकते हो उसको कि नहीं नहीं अब तो करना ही पड़ेगा आपको, ऐसा वैसा कोई लीगल एक्शन ले सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, आ रहा है समझ। तो इसका मतलब ये है कि एनफोर्सेबिलिटी हर जगह नहीं होती, यानी अग्रीमेंट तो हर जगह होता है, आ रहा है समझ, पर हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जिन अग्रीमेंट्स में एनफोर्सेबिलिटी होती है, कैसे आएगी वो मैं बता दूंगा, जिन अग्रीमेंट्स में एनफोर्सेबिलिटी होती है वही अग्रीमेंट्स बेटा क्या बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जिन अग्रीमेंट्स में एनफोर्सेबिलिटी होती है वही अग्रीमेंट्स बेटा क्या बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से समझो, क्लियर है, ठीक है ना। आप अपन एक काम करते हैं कि कंटेंट रीड करते हैं, चलो ठीक है ना, अपन कंटेंट रीड करते हैं, ठीक है ना। ये लॉज क्या है, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज एक्ट, एक्ट किसको कहते हैं, है ना, जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारे एक्ट का नाम क्या है, हमारे एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था। तो एक्ट है क्या, सेट ऑफ रूल्स एंड लॉ मींस ग्रुप ऑफ एक्ट्स अबाउट द सेम एक्टिविटी, ठीक है, सेम टाइप के हैं, जैसे मर्केंटाइल लॉज बोले हमने, तो मर्केंटाइल लॉज का क्या मतलब, बिजनेस रिलेटेड सारे एक्ट्स, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ठीक है ना। कौन बनाता है इसको,
बेटा पार्लियामेंट बनाते हैं, सिंपल वर्ड्स, वो लीडर्स हम नेता चुनते हैं ना, वोट डालने जाते हैं, अरे समझ में, तो हम उन लोगों को चुनते हैं कि भाई पूरे शहर की तरफ से आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई रूल बनना है समझ में रहे तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो, तो उस व्यक्ति का उस रूल के बनते समय पार्टिसिपेट करना मतलब कि पूरा शहर पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर से ध्यान से समझो, हर शहर मतलब समझना कि रूल्स बनते कैसे हैं, भाई किसी और ने बना दिया और मुझे फॉलो करना है, ऐसा है क्या? नहीं, हम सारे लोग मिल करके समझ रहे ऐसे एक व्यक्ति को चुन रहे हैं जो हमारे लिए रूल्स बनाएगा, समझ, तो ऐसे कर करके सारे शहर अपनी अपनी तरफ से अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं कि हाँ भाई आप, हम आपकी पे विश्वास कर रहे हैं, आप लोग जाकर के क्या करें, सोसाइटी में कैसा रूल्स फॉलो होना चाहिए, सोसाइटी में क्या होना चाहिए उसके रूल्स जो है वो आप लोग बनाएं। तो हम लोग नेताओं को चुनते हैं और वो जाते हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं, आ रहा है समझ में, और वो लोग फिर सारी सोसाइटी के लिए क्या बनाते हैं बेटा, रूल्स जो है वो बनाते हैं, क्लियर है? क्यों होते हैं लॉस? क्लियर है? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल, टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी एंड राइट्स विद अ व्यू टू सिक्योर जस्टिस, पीसफुल लिविंग एंड सोशल सिक्योरिटी। क्लियर है? देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ लॉ सच एज क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ एक्सेट्रा। हर ब्रांच जो है वो रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है ना? हर जो ब्रांच है वो एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करती है। क्रिमिनल कौन सा होगा? मान लो कि हत्या का हो गया, अरे समझ, या चोरी का हो गया, ये सारे क्रिमिनल है जिसमें मेनली जेल होगी, अरे समझ। और एक सिविल है जो सोसाइटी के बिहेवियरल पैटर्न पर आधारित है, इसमें बहुत बार जेल नहीं होती, अरे समझ, इसमें सिर्फ फाइन या मॉनिटरी जो फाइन है उसका इफेक्ट आता है। हमको क्यों पता होना चाहिए भाई कानून, हमको क्यों पता होना चाहिए? वाई शुड वन नो लॉ? क्लियर है? ठीक है ना? वाई शुड वन नो लॉ? ठीक है, वन शुड नो द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, टू विच ही इज सब्जेक्ट। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये देखो, सेकेंड लाइन पहले बोलो, रिलेवेंस ऑफ लीगल लैंग्वेज इन लॉज क्या है? कि मैं एज ए टीचर आपके लिए क्या कर रहा हूँ, कोई भी कानून की जो भाषा है उसको मैं आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना कि लॉन्ग टर्म में आपको लीगल भाषा पढ़नी आनी चाहिए, आ रहा है समझ में? इसलिए कुछ कुछ जो लाइंस हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर रखी ताकि आपको उसका पुट मिले, समझ आ रहा है? ठीक है, क्योंकि अगर मान लो मैंने आपको जनरल चीज़ें बता दी बस, समझ आ रहा है, अपने नॉलेज से, और आपकी एबिलिटी डेवलप नहीं हुई, किस भी किस बात की एबिलिटी, कि आप खुद इंटरप्रेट कर पाओ, खुद मीनिंग निकाल पाओ, आ रहा है समझ में? बेटा मुझे ना आपकी एबिलिटी डेवलप करनी है, कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं ना, कि आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए, कि आप पढ़ करके खुद से उसका मीनिंग जो है वो निकाल लो। दो चीज़ें होती हैं लॉज में, एक जो रिटन कंटेंट है उसका मीनिंग निकालना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना, और फिर उसका एक इंटरप्रिटेशन निकालना, आ रहा है समझ में? तो अभी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में आपको क्या करता रहूँगा, इस तरीके की लैंग्वेज देता जाऊँगा जिससे कि आपकी एबिलिटी भी जो है वो इम्प्रूव होगी। क्लियर है? तो इस तरीके के सेंटेंस थोड़े से आपको टफ लगेंगे, लेकिन यकीन मानो ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने कुछ ही इंक्लूड कर रखे हैं, समझ रहे? शुरू में बहुत प्रॉब्लम जाती है लीगल लैंग्वेज को पढ़ने में, लेकिन बेटा रिलेवेंस इतना है ना, कि एक एक शब्द कैसा लिखा हुआ है उसको एज इट इज निभाया जाना जरूरी है, आ रहा है समझने? ठीक है ना? तो ये समझ लो कि कानून में जो लिखा है उसको एज इट इज मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? ठीक है ना? तो वन शुड नो द लॉ मतलब, ठीक है ना, इसका मतलब समझो, ठीक है, कि आपको कानून का पता होना चाहिए, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। विच ही सब्जेक्ट का मतलब, अगर मान लो कि मैं कोई टीवी खरीद रहा हूँ तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पता होना चाहिए, भैया मुझे तो नहीं पता होता, तो आप खरीद लो, आप बाय डिफॉल्ट जो चीज़ सोसाइटी से सीख करके फॉलो कर रहे हो ना, आप वैसे ही करोगे कि भैया कैसे खरीदा जाता है, समझ में आ रहा है? आपने मम्मी पापा को खरीदते देखा होगा, या कभी टीवी में, या कभी आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि कैसे चीज़ें खरीदी बेची जाती हैं, समझ में आ रहा है? तो आपने क्या किया, आप गए दुकान में, आपने कोई चीज़ सिलेक्ट करी, आ रहा है समझ में, और आपने उससे पूछा कि भाई क्या है, उसके पूरे फीचर्स जो पूछा, उन्होंने चलो मैं खरीद रहा हूँ, कितने पैसे हो, ये लो बिल दे दो, आ रहा है समझ में, या बिल आपने नहीं भी लिया, क्लियर है? लेकिन आपने चीज़ खरीदी, आप बाय डिफॉल्ट एक्चुअली में वो सारी बातें फॉलो कर रहे हैं जो कानून में लिखी हुई है, समझ में? आप सोचो अगर मान लो गुड्स में कोई डिफेक्ट निकल गया तो क्या आप वापस कर पाओगे? इसके लिए आपको कानून रेफर करना पड़ेगा। अगर मान लो कि आप कोई गुड्स में डिफेक्ट निकला, आ रहा है सर, अब मान लो कि आप गए वापस करने, आपने बोला कि अरे यार ये प्रॉब्लम है, और दुकानदार कह रहा है कि भैया ये वापस नहीं होगा, ये तो आपकी प्रॉब्लम है, पॉइंट समझ में आ रहा है?
तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आप करोगे क्या? या तो आप उससे लड़ लो, मार पिटाई कर लो, समझ में आ रहा। दूसरा तरीका है कि अब आप देखोगे कानून में क्या लिखा है। हो सकता है कि आप किसी लॉयर को रेफर करो कि भैया देखो ऐसा ऐसा हो गया, तो वो जो लॉयर है फिर वो कानून खोलेगा, फिर उस कानून में जो लिखा है उसके हिसाब से ये तय किया जाएगा, उसके हिसाब से ये देखा जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। भले आपको पता नहीं है, समझ आ रहा है, कानून, आप उसके कानून के नॉलेज के बिना आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, लेकिन आप गुड फेथ में करते हैं, मतलब अच्छे इंटेंशन से करते हैं इसलिए। और कानून ऐसा बना हुआ है कि जेनरिक चीज़ें करने वाले किसी के खिलाफ कुछ लिखा नहीं हुआ है उसमें, आ रहा है समझ। तो आप जो भी नॉर्मल चीज़ें करते हैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है बाय डिफॉल्ट लॉ, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो कि आपसे कुछ गलती हो गई या सामने वाले से कुछ हो गई, समझ में आ रहा है, जैसा कि कानून में लिखा, आपने कुछ भी ऐसा कर दिया जो कानून के हिसाब से गलत है, समझ में आ रहा है, तो ये मान लो कि फिर आपको कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिलने वाला, क्लियर है क्या? ठीक है ना। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जैसे देखो बेटा, अगर कोई एक्स नाम का व्यक्ति ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और टिकट नहीं लिया उसने, बोल रहा मुझे पता ही नहीं था भाई कि टिकट लेनी पड़ती है, वो तो लोग ट्रेन में चढ़ जाते थे, मैंने बचपन से देखा, मैं चढ़ गया, ये पहुंचा देती है, तो वो ये नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट प्लीड, मतलब वो ये नहीं बोल सकता कि भैया मुझे पता ही नहीं था इस रूल का कि टिकट परचेज करनी पड़ती है, तो मुझे माफ कर दिया जाना चाहिए क्योंकि मुझे इस रूल के बारे में नहीं पता था। तो रूल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो क्या होगा, तो भी आपको वो रूल जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। देखो गब्बर भी कह रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ से 50-50 कोस दूर जब भी कोई बिना टिकट के यात्रा करता है तो सब कहते हैं बेटा टिकट ले ले वरना तुम पकड़े जाओगे। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो सब लोग वर्ड ऑफ माउथ से क्या करते हैं, स्प्रेड करते जाते हैं रूल्स को। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। अगर मान लो कि वाय जो है वो ड्राइव कर रहा है स्कूटर और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि भैया मुझे पता ही नहीं था यार ट्रैफिक रूल का कि अरे लाइसेंस लेना पड़ता है, मुझे क्या पता था। आ रहा है समझ में, एंड देयरफॉर ही मे बी एक्सक्यूज। देखो बिल गेट्स भी क्या कर रहा था, समझ आ रहा है, ठीक है ना, विदाउट लाइसेंस पकड़ा गया था 1977 में, क्लियर है क्या। तो हम सब लोग अब क्या करते हैं, उसका विंडोज जो है बिना लाइसेंस के लेते हैं, है ना, कर्मा, ठीक है ना, जैसे करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा, ठीक है ना। तुमने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाई, अब तुम्हारा विंडोज प्रोडक्ट जो है बिना लाइसेंस के क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है ना। नोट, तो अगर हर पर्सन अपनी मर्जी करने लगे तो इमेजिन करोगी क्या होगा। ऐसे ही अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज मानने लग जाए, मतलब समझ रहे हो कि अगर लोग बोले हमको पता नहीं था, ठीक ठीक कोई बात नहीं, तुमको पता नहीं तो तुम जाओ, अगर ऐसा करोगे तो पता क्या होगा, हर बंदा यही एक्सक्यूज देने लगेगा और कोई भी व्यक्ति कानून को मानेगा नहीं। आ रहा है समझ में, जैसे अभी रूल बना है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो आप सब लोग ये रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं अगर आपको लगता है कि नहीं करना है तो आप जाकर के देखो बाहर, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो जब आपको उसकी पेनल्टी मिलेगी यानी कि डंडे जब पड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रूल्स फॉलो करना हर व्यक्ति के लिए क्या है, कंपलसरी, क्लियर है। कुछ एक्सेप्शन बना दिए जाते हैं लेकिन वो ज़रूरी होते हैं और वो भी कानून ही बताता है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ क्या होता है, ये सिविल लॉ का पार्ट है जो कि किन मुद्दों से डील करता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ मर्केंटाइल पर्सन, बिजनेस पर्सन जो है, ठीक है ना, आउट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस या पर्सनल प्रॉपर्टी। आ रहा है समझ में, मर्केंटाइल, जब पर्सनल लेवल पे घर खरीद रहे हो तो फिर वो मर्केंटाइल प्रॉपर्टी है, इसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं, चिंता मत करो, ठीक है ना। कि मर्केंटाइल लॉ में ये लिखा हुआ है कि किस व्यक्ति के क्या अधिकार हैं और किस व्यक्ति की क्या लाइबिलिटीज है, क्लियर है, ठीक है ना, बिजनेस रिलेटेड और अपन देखेंगे कुछ हद तक पर्सनल रिलेटेड भी, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स लॉज रिलेटिंग टू वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप, कंपनीज, नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब चेक वगैरह। आ रहा है समझ में, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, लोग पार्टनरशिप कैसे करें, कंपनी कैसे खोलें, चेक जो बैंक के चेक वेक होते हैं ना, वो पूरा लीगल सिस्टम है। सोच करके देखो, तुमने बैंक में पैसे जमा करे और बैंक ना दे पैसे एक दिन तो। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट जो है एक एक्ट बना हुआ है 1881, ठीक है ना, जिसके हिसाब से चेक को वैलिडिटी मिली हुई है, इसलिए चेक्स एक्सेप्टेबल होते हैं। इंश्योरेंस, आप गाड़ी वगैरह का इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है ना, और कैरेज ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह में जो जाते हैं गुड्स की, मैंने ट्रांसपोर्टर से कर लिया, तो ऐसे बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उन पर ये जो मर्केंटाइल लॉज हैं ये एप्लीकेबल होते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
which deals with the general principles of laws governing all contracts. ठीक है ना बेटा, ध्यान से देखो, the law of contract is applicable not only to business but also to all day-to-day personal dealings. हाँ क्या? हाँ बेटा, personal dealings मतलब सिर्फ business पे applicable नहीं होगा, not only to business बट पर्सनल डीलिंग्स पे भी कवर होने वाला है. आ रहा है समझ में? ठीक है ना. इनफैक्ट ईच वन ऑफ अस एंटर्स इनटू अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. हर बंदा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करता है. आप जब न्यूज़पेपर परचेज कर रहे हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, समझ में आ रहा है? आप दूध खरीद रहे हो डेली बेसिस पर, मिल्कमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना. देखो, है ना, व्हेन माय फ्रेंड सी मी बाइंग डेरी मिल्क सिल्क एंड ईटिंग, समझना रहे? ठीक है, नकली नोट छापने का धंधा है, मतलब ठीक है, ऐसी है ये. ठीक है, उतना फनी नहीं है. ठीक है, व्हेन यू परचेज ब्रेड एंड बटर, समझना रहे? यू कॉन्ट्रैक्ट, यू इंटेंड टू कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर. वेंडर मतलब सेलर जो है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है ना. व्हेन यू राइड अ बस, ठीक है, यू इंटेंड टू कॉन्ट्रैक्ट विद द ट्रांसपोर्ट कंपनी. क्लियर है? ठीक है ना. तो जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिलेट करता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से. ठीक है ना. The rules for performance and discharge of a contract, and अगर किसी ने follow नहीं किया तो जो दुखी व्यक्ति है, मान लो दो लोगों ने तय किया, सामने वाला A और B ने contract किया, A ने contract करके तोड़ दिया. अब A ने अगर contract करके तोड़ा तो B के पास क्या option है कि B क्या करे? तो B क्या करे उसको क्या बोलते हैं? Remedies. अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो आपको क्या मिल रही है कानून के द्वारा, क्या दी जा रही है? रेमेडी. आ रहा है समझ में? जिसका यूज करके आप सामने वाले को जेल भेजवा लो या अपना नुकसान जो है वो रिकवर करवा लो. तो रेमेडी मतलब कि रिलीफ क्या दिया हुआ है कानून में, ये तो रिलीफ दिए हुए. अग्रीव्ड पार्टी मतलब वो जो गलत नहीं है पार्टी. अग्रीव पार्टी मतलब पार्टी नॉट एट फॉल्ट. अग्रीव पार्टी मतलब पार्टी नॉट एट फॉल्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना. आप वीडियो को वो करके पॉज करके समझना रहे, ये सारी चीजें जो है वो लिखते जाना कहीं पर. क्लियर है क्या? ठीक है ना. जैसे ये जो कंटेंट है इसको आप डायग्राम मत बनाने लग जाना, आ रहा है समझ में? लेकिन ये जो कंटेंट है ये आप लिख लेना. इसके सिंप्लीफाइड नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, समझ में आ रहा है? ये जो डायग्राम्स वगैरह हैं, ठीक है ना, ये भी आप कर लो. ठीक है ना. और कंटेंट रीडिंग से व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट अपन चालू करने वाले हैं. ठीक है ना. तो इसको मैं सेकेंड लेक्चर में कवर कर देता हूँ. ठीक है ना. चलो, तो आपको इससे रिलेटेड बेटा कोई भी डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है ना. ये मेरा पर्सनल नंबर है. क्लियर है? ठीक है ना. जिस पे आपको अगर कोई भी डाउट है, ठीक है ना, तो आप अपना नाम, क्लियर है, ठीक है ना, और ये डिटेल कि आप डेमो लेक्चर अटेंड किए हो, आ रहा है समझ में? ठीक है ना. ये एक जनरल ब्रीफिंग दे करके, ठीक है ना, अगर आप कोई स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, जैसे मान लो कि ये है आपके स्क्रीन में और आपको मान लो कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ वाला नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना, कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और ऐसे ऐसे हाईलाइट करेंगे, मतलब इसको ऐसे हाईलाइट करेंगे और इसको सेंड कर देंगे कहाँ पर? इस नंबर पर. समझ आ रहा है? ठीक है ना. तो ये व्हाट्सएप में मुझे मिल जाएगा. ठीक है ना. मैं आपको ऑडियो नोट के जरिए, समझ रहे, या टेक्स्ट या किसी भी और तरीके से वो डाउट जो है वो आपका सॉल्व कर दूँगा. ठीक है ना. हमारे दो तीन लेक्चर्स जो हैं, दो लेक्चर्स पर्टिकुलरली आप समझ लो कि ये वीडियो के फॉर्म में लगेंगे, समझ रहे, ठीक है ना. उसके बाद हम एक बार बच्चों से बात करेंगे. ठीक है ना. तो मैं लाइव क्लासेस जो है वो मैं लगा लूँगा, यानी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी ये आप रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन रहे हो. ठीक है ना. क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, आप अभी सुन रहे हो. क्लियर है? ठीक है ना. तो लाइव क्लासेस में क्या होगा कि आप जैसे ही बोलोगे इमीडिएटली जो है वो मैं सुन पाऊंगा. समझ आ रहा है? ठीक है ना. तो उसके सारे, उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च चल रही है. वैसे जूम वगैरह तो अवेलेबल है ही, कोई दिक्कत नहीं है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो कुछ स्टूडेंट्स भी अगर हो जाते हैं, ठीक है ना, तो मैं लाइव लेवल पर लगा लूंगा. तो ये दो लेक्चर्स की बात है बस, कि आपको अपने डाउट्स वगैरह व्हाट्सएप करने पड़ रहे हैं. लाइव क्लासेस चलेगी तो आप लाइव डाउट्स भी पूछ पाओगे. उसके अलावा अगर लाइव डाउट नहीं पूछ पाए तो भी आप व्हाट्सएप में अगर पर्सनल में मैसेज करते हो, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसके जो है वो मैं आपको बता दूंगा. इसके अलावा सिंस ये सब्जेक्टिव पेपर है,
ठीक है ना, सिंस ये सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी जो है वो प्रॉपर मिल जाएंगे, क्लियर है, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर्स की आपकी प्रैक्टिस होगी और इसमें एक्चुअली में क्या है कि डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है वो लिख करके दिखाने पड़ेंगे, क्लियर है, वो आपके डेली बेसिस पर चेक होंगे, क्लियर है, ठीक है। और वीकली या फिर मतलब फोर्टनाइटली आपके क्या होंगे, ठीक है ना, टेस्ट वगैरह कंडक्ट होंगे, ठीक है, जिससे हम अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे दो तीन स्टेप्स होंगे चीज़ों को करने के, क्लियर है, ठीक है ना। दो तीन स्टेप्स होंगे हमारे, ठीक है, एक तो होगा थ्योरी, ठीक है ना, उसके बाद फिर आपकी सेल्फ रीडिंग होगी, है ना, थ्योरी एक्सप्लेनेशन, फिर आपका डेली आंसर राइटिंग। ऑफ कोर्स जैसे ही आपका लॉकडाउन ओपन होगा, ठीक है ना, तो हम लाइव क्लासेस भी लगा देंगे, लाइव क्लासेस मतलब कि क्लासरूम में बैठ करके, ठीक है ना, डेली आंसर राइटिंग, ठीक है। उसके अलावा फोर्टनाइटली मतलब हर 15 दिन में आपके जो है टेस्ट वगैरह भी हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। पर्सनल डाउट्स के लिए यू कैन कॉल और व्हाट्सएप एनी टाइम, आ रहा है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो क्लियर डाउट के लिए, मतलब दिन रात कभी भी आप कर सकते हो, हाँ प्रेफरेबली रात में अगर आप कभी भी करते हो तो व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि अगर मैं सो रहा हूँ तो मैं अगले दिन नोट करके आपको बता दूंगा, क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ और सेकेंड लेक्चर में अपन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू।